दोस्तों, यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही आवश्यक जरूरी बात आपके स्वास्थ्य के संबंध में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई एम गिविंग टुडे। आइए आज कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारे पूर्वज हजारों सालों से करते आए। फ्रेंड्स, लेट्स लर्न टुडे समथिंग दैट आवर एंसेस्टर्स केप्ट ऑन डूइंग सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। द वेरी फर्स्ट थिंग दे यूज्ड टू डू दैट वाज when they woke up from bed, सबसे पहली चीज वो जो करते थे सो के जगते समय करते थे, they used to recite a श्लोक, संस्कृत वर्स। वो एक श्लोक पढ़ते थे जो कुछ इस तरह से था, है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस नेम, दिस श्लोक, दिस वर्स? आइए जानते हैं इस श्लोक का असली मतलब क्या है। कर मध्ये वस्ते लक्ष्मी। अब लक्ष्मी का असली मतलब तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के कर्म। छोटे बड़े कई तरह के लक्ष्य हम बनाते हैं। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो कुछ मिनटों में सिद्ध हो जाते हैं, कुछ लक्ष्य काफी टाइम लेते हैं, कुछ लक्ष्य आजीवन चलते हैं। उन लक्ष्यों की पूर्ति करने की कोशिश करते रहने को ही लक्ष्मी की पूजा कहा गया है। अब कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का मतलब क्या हुआ? आइए अंग्रेजी वालों को भी थोड़ा बताते रहें बीच बीच में। द फर्स्ट वर्स, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, व्हाट डज इट मीन? Why was it recited daily while waking up? Lakshmi means Lakshya, means target. Daily small targets we are having to fulfill. Some targets a little bit, that may take days, weeks, years. Some targets take lifelong. So why Karagre Vaste Lakshmi verse was spoken? Actually, while speaking Karagre, the three words, three letters, Ka, Ra and Gre, this opens our vocals that kept sleeping in the night. क रा ग्रे, ये जो अक्षर हैं ये हमारे ध्वनि के केंद्रों को जागृत करते हैं जो रात में सोते समय सुप्त अवस्था में चले गए थे। इसे गला साफ हो जाता है, हम बोल सकते हैं सही से। नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज टू ज्वाइन आवर पाम and watch them so that our eyes that have gone to sleeping state, the blood flow in eyes have reduced, they don't get blocked off and our eyesight remain normal. We rub our hands and heat up eyes so that the blood vessels in eyes open up again.
ये पहला श्लोक पढ़ते समय हम अपने हाथ की हथेलियों को जोड़कर देखते हैं, आंखों से देखते हैं और हथेलियों को रगड़ के गर्म करके आंखों पे लगाते हैं। आंखों पे गर्म करके लगाने से जो नसें आंखों की हमारे सोते समय सो गई हैं उनमें खून का रिसाव थोड़ा कम हो गया है, वो दोबारा से खुल जाता है, जिससे हमारी दृष्टि सामान्य बनी रहती है। सेकेंड पेज, सेकेंड स्टैंडर्ड इज कर मध्ये सरस्वती। नाउ हियर कर मध्ये मीन्स सेंटर ऑफ आवर बॉडी, सेंटर ऑफ आवर हेड, वेयर पिनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड। देयर वी लिसन अ साउंड, अ हमिंग साउंड, ट्रांसफॉर्म हमिंग साउंड, समथिंग लाइक ई। दिस ई साउंड वी कैन इजिली लिसन इन मॉर्निंग टाइम, एज लॉट ऑफ साइलेंस इज देयर इन मॉर्निंग टाइम। दिस साउंड इज वेरी लो पिच एंड वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। लिसनिंग दिस साउंड अवेक्स आवर माइंड एंड वी रिमेन चीयरफुल डे लॉन्ग। दूसरा पॉइंट, कर मध्य सरस्वती। इस वाक्य का मतलब यह होता है कि हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच हमें एक स्वर सुनाई देता है, ई का स्वर। ई को आप बिगर पे बोलिए ई, यह स्वर हम सुबह 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 शांत वातावरण में यह ई का स्वर हम आसानी से सुन सकते हैं और इसी ई के स्वर को सुनने को कहा गया है ईश्वर को पा लिया। तीसरा, कर मूले तू गोविंद, यह वाक्य इस श्लोक का तीसरा वाक्य है जो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतलाता है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में खून के दौड़ने और धरती के चुंबकत्व से ढेर सारा स्टैटिक एनर्जी जमा हो जाता है, क्योंकि हम सोते हैं बिस्तर पर, जो एक तरह से इंसुलेटर है और यह एनर्जी जब हम धरती को स्पर्श करते हैं, जैसे हम सो के उठे और धरती पर खड़े हुए, फर्श पर खड़े हुए, तो यह बहुत ही कम समय में, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही पलों में, एक झटके में धरती की तरफ भागती है यह शक्ति। और ऐसा होने के लिए यह हमारे शरीर के अंगों को इस्तेमाल करती है। बीच में हृदय आता है, दिल आता है और दिल का दौरा पड़ने के कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। अधिकतम दिल के दौरे ऐसे सवेरे के उठ के सीधा चलने के वजह से देखे गए हैं। द थर्ड वर्स, कर मूले तु गोविंद। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्पोकन, बट एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस इज व्हेन वी स्लीप ऑन इंसुलेटेड बेड we have no connection with earth, physical earth,
वी आर स्लीपिंग ऑन इंसुलेटेड बेड, आवर ब्लड इज फ्लोइंग, अर्थ मैग्नेटिज्म इज देयर, अ स्टैटिक करंट इज डिपॉजिटेड ऑल अराउंड आवर बॉडी. व्हेन वी वेक अप एंड स्टार्ट वॉकिंग, एज सून एज वी टच आवर लेग्स टू द ग्राउंड, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दिस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज ग्राउंडेड टू अर्थ एंड इट यूजेस आवर बॉडी एज कंडक्टर. इट पासेस थ्रू आवर हार्ट एंड मोस्टली वी गेट हार्ट अटैक इन मॉर्निंग टाइम व्हाइल वेकिंग अप. टू अवॉइड दिस थिंग इट इज सजेस्टेड टू टच द ग्राउंड विद आवर हैंड. इफ यू टच विद लेफ्ट हैंड अगेन आवर बॉडीज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी विल पास थ्रू आवर हार्ट. So we use our right hand, that hurt path is avoided and this static electricity that could be dangerous to our life could be grounded without any harm to us. उठ के चलने से पहले धरती माता को गोर लग के या उनके पैर छूके अपने हाथ से छू करके प्रणाम करने को कहा गया है. यह तीसरा वाक्य इस श्लोक का, कर मूले तो गोविंद. अगर हम अपने बाएं हाथ से अपने उल्टे हाथ से धरती को छूते हैं तो यह स्टैटिक विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी धरती की तरफ भागेगी, हमारे दिल फिर से बीच में आ जाएगा और दिल का दौरा पड़ने के आसार बने रहेंगे. इसलिए हम सीधे हाथ से धरती को छूते हैं. अब कई बार पलंग ऊंचे होते हैं, धरती पर छूना मुश्किल होता है, भैया बच्चे नहीं छू सकते हैं, तो बगल में जो दीवार है उसे भी छू सकते हैं, वो भी धरती का ही अंश है जो हमारे पलंग से अलग है. सीधे हाथ से धरती को छूने से दिल का दौरा नहीं पड़ता. जो तीसरा वाक्य भी बहुत आवश्यक है, जो मूलतः हमारे बुढ़ापे में असर दिखाता है. ऐसे तो जवानों को भी दिल के दौरे पड़ते हैं. सतर्क रहिए, सुबह उठते उठते ये तीन चीजें कर लीजिए. इस श्लोक को केवल बोलना नहीं, इसको करना है. While waking up in morning, just not speak these three sentences. Rather, do what is said in these three sentences. You will remain healthy, happier, lifelong. And once diseases are away, you may live for hundreds and thousands of years, no problem. When diseases come, the pains give problem. So, dosto, swasth raho, sukhi raho. Swasth rahe ka lamba jeena achha hai. Bimari ke saath, jawan bhi dukhi ho jata hai. Is shlok ka chautha bhag, prabhate kar darshanam. साधारण सी बात है, प्रभाते सवेरे सवेरे सबसे पहला काम हमें यही करना है, अपने काया अपने शरीर का दर्शन करना है, असल दर्शन. हम बोलते हैं गला ये प्रचालित करना है, स्वचालित करना है, मस्तिष्क फिर से चालू करना है, हमारे शरीर पर जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसे सीधे हाथ से ग्राउंड करना है. The fourth sentence. Tense, प्रभाते कर दर्शनम means simply we have to watch our own body as soon as we get up, that we are healthy or not. Watch your throat is functioning to
talk properly. Watch your head, brain with the sound of E. Watch your static electricity generator, ground it with right hand. So watch early morning, Prabhate Ka Darshanam. Live healthy, live happy, lifelong.